26 जनवरी को लेकर पुलिस ने किया पैदल मार्च। आगामी 26 जनवरी को लेकर पूरा पुलिस महकमा सतर्क है। इसी क्रम में अगर मैनपुरी पुलिस की बात करें तो यहां की पुलिस के आला अधिकारी भी मैनपुरी की आम जनता में भयमुक्त वातावरण को लेकर दृढ़ संकल्पित है। इसी क्रम में मैनपुरी के अपर अधीक्षक ने क्षेत्राधिकारी नगर अभय नारायण राय को साथ लेकर पूरे पुलिस बल के साथ शहर की सड़कों पर पैदल मार्च निकाला। ये पैदल मार्च शहर की विभिन्न जगहों से गुजरता हुआ शहर कोतवाली में जाकर समाप्त हुआ। आगामी 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व के दृष्टिगत आम जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करना और अपराधी तत्वों पर सख्ती बरता जाना, इस हेतु संपूर्ण पुलिस बल के साथ कोतवाली नगर के विभिन्न मोहल्लों में, मार्केट में फुट पेट्रोलिंग की गई है। इसका स्पष्ट उद्देश्य है कि शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनी रहे। किसी भी तरह से कोई भी अपराधी तत्व, अराजक तत्व अपने मंसूबों में कामयाब ना होने पाए। सर, कौन कौन पुलिस अधिकारी इस दौरान मौजूद रहा? इस फ्लैग मार्च में क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में पूरा क्षेत्राधिकारी नगर का पुलिस बल था, LIU थी, हमारा डॉग स्क्वाड एंटी सेबोटाज चेक टीम थी और PSC का बल था। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मैनपुरी से संजय शर्मा की रिपोर्ट।